अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अकीमजा शाहिद। वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज बहुत ही अहम और ख़ास किस्म का नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज मुझे बहुत सारे फ़ोन आए इस हवाले से, और पहले भी मेरी एक वीडियो मौजूद है दिल की कमज़ोरी के हवाले से, लेकिन उसमें एक मतलब मसला ये भी आता है, दिल की कमज़ोरी के अंदर ये मसला आ जाता है कि इख्तलाज कल्ब कहते हैं इसको, जिसको कहते हैं दिल का धड़कना, मतलब ज़ोर से दिल का धड़कना। अब होता क्या है कि एकदम से बैठे बैठे दिल ज़ोर से धड़कता और लगता है कि जैसे नीचे चला गया है, मतलब बैठ गई है कोई चीज़, मतलब इतना गहराई में चला जाता है और एकदम से सांस में बड़ी मुश्किल आ जाती है। बहरहाल, तो ये आज का नुस्खा हमारा होने वाला है दिल की धड़कने के हवाले से, और इसको इख्तलाज कल्ब भी कहते हैं। अब इसके हवाले से थोड़े से आपको असबाब बताऊंगा कि ये क्यों हो जाता है, थोड़ी सी अलामत बात करेंगे, फिर सीधा नुस्खा की तरफ चलेंगे। अगर हम इसके असबाब की बात कर लें तो सबसे पहले जो इसके असबाब हैं वो नशा है, मतलब किसी भी किस्म का कोई नशा है, जैसे कि कावा है, चाय है, चर्स है, तम्बाकू है, अफ्यून है, भंग है, या शराब नोशी करते हैं, तो ये मसला जो है वो देखने में आ सकता है। इसके अलावा आसाबी कमज़ोरी की वजह से ये मसला देखने में आ सकता है, खून की कमी की वजह से आ सकता है ये मसला, या फिर गम, खौफ, फिक्र, ये तीन चार चीज़ें जो होती हैं इसकी वजह से, जब बंदा ज़्यादा इनमें डूब जाता है, कोई परेशानी हो घर में या किसी किस्म का खौफ हो दिल में, तब ये जो मसाइल होते हैं ये देखने में आ जाते हैं। इसके अलावा जिस्म में कैल्शियम की अगर कमी हो तब भी ये मसला देखने में आता है, और औरतों में ख़ास तौर पर अय्याम ख़ास जो उनके होते हैं, हैज़ की कमी या ज़्यादती, इन दोनों सूरतों के अंदर जो है ये मसला देखने में आ जाता है। अब अगर हम इसकी अलामात की बात कर लें तो होता क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इस मर्ज़ में दिल जो है बड़ी ज़ोर से धड़कता है एकदम, और दिल डूबता हुआ महसूस होता है, और सांस में तंगी हो जाती है, मतलब कि जब जैसे ही दिल डूबता है तो लगता है कि मुझे सांस नहीं आ रहा, और आंखों के आगे जो है वो अंधेरा आना शुरू हो जाता है। अब ऐसे आदमी की तबीयत जो होती है वो बहुत सुस्त हो जाती है, भूख भी बहुत कम लगती है, और हर टाइम अंगड़ाइयाँ लेने को और जमाइयाँ जो है ये आती रहती हैं। तो ये इसकी अलामत थी। तो बहुत लंबी वीडियो ना हो जाए इसलिए आपको डायरेक्ट नुस्खा की तरफ लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाज़रीन, तो आ चुके हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें नंबर एक पर जो चीज़ चाहिए होगी वो है तुख्मे रेहान, नंबर दो पर जो चीज़ हमें चाहिए वो है अर्के गुलाब, और नंबर तीन पे जो चीज़ हमें चाहिए वो है खमीरा मरवारी। ये तीन चीज़ें हमें चाहिए होंगी। अब इनमें इस्तेमाल कैसे करना है और क्या वज़न है ये भी आपको बता देते हैं, आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर लिखा भी आपको मिल जाता है। आपने तुख्मे रेहान लेना है 12 ग्राम, 12 ग्राम आप अलग अलग पुड़िया भी इसकी बनवा सकते हैं, या अंदाजे के साथ अगर आप लेना चाहें तो खाने वाला जो चम्मच होता है वो फुल भर के, मतलब मेरा ख्याल है तकरीबन 1.5 चम्मच जो बनेगा वो 12 ग्राम बनेगा, या 1.25 चम्मच आप लगा लें। बहरहाल, आप वज़न भी करवा लीजिएगा पंसारी की दुकान से जहाँ से आप तुख्मे रेहान लेंगे। तो तुख्मे रेहान हमें चाहिए होगा 12 ग्राम, अर्के गुलाब जो है ये हमें चाहिए होगा 1 कप। अब अर्के गुलाब तुख्मे रेहान मतलब उसके अंदर डाल देना, अर्के गुलाब में आपने रात को भिगो के उसको रख देना है, सुबह के टाइम खाली पेट आपने उसको लेना है, वो मतलब गाढ़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप चाहें तो उसमें पानी मिला सकते हैं, कोई भी शरबत मिला लीजिए, चीनी मिलाना चाहते हैं, मिश्री मिलाना चाहते हैं, संदल का शरबत मिलाना चाहे, मतलब आपकी मर्ज़ी है, जामे शीरी मिला लें, कुछ भी मिला के आपने उसको अच्छे तरीके से हल कर लेना है, और आपने वो 1 गिलास सुबह खाली पेट पी लेना है। ये तो हो गया आपका तुख्मे रेहान। अब जो मैंने आपको दूसरी चीज़ बताई थी, खमीरा मरवारीद, खमीरा मरवारीद आप लोगों ने किसी भी कंपनी का ले लें, हमदर्द का ले लें, कर्शी का ले लें, कोई इशू नहीं है, तो अजमल का ले लें, तो आपने ये सुबह और शाम दो टाइम खाली पेट इस्तेमाल करना है, आधा चाय वाला चम्मच। अब जब आप खमीरा मरवारीद लेंगे बाज़ार से तो आपने ये करना है कि आपने पहले इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब हम लोग क्या करते हैं कि पंसारी की दुकान से कोई चीज़ लेते हैं तो खमीरा जो होता है उसमें शीरा नीचे बैठ जाता है और जो बाकी चीज़ होती है वो ऊपर आ जाती है, हम ऊपर से खाना शुरू कर लेते हैं और नीचे जो एंड पर बचता है वो शीरा बच जाता है। तो आपने पहले उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद आधा चम्मच चाय वाला सुबह खाली पेट, आधा चम्मच शाम को खाली पेट 4-5 बजे आप लोग इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये आप 1 माह इस्तेमाल करें,
वैसे तो 15 दिन में ही बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएगा आपको, लेकिन एक माह मुकम्मल तौर पर इसको इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों को इस मर्ज़ से ज़रूर निजात मिल जाएगी। और आप लोग इस नुस्खा को बना के इस्तेमाल कीजिए, मुझे अपनी खसूसी दुआओं में याद रखिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ औरों का भी भला हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जाह शाहिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।